गुड मॉर्निंग डियर, आज के हम इस लेक्चर में बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 3 में हम वेवी कर्व डिस्कस करेंगे। वेवी कर्व मेथड क्या चीज है बेटा, उसको हम बात करना चाह रहे हैं। पिछली क्लास में हमने क्या किया था बेटा, सिंपल इक्वेशन सॉल्व किया था, इन इक्वेशन सॉल्व किया था, लेकिन उसमें जो सॉल्व किया था उसमें वो मेथड बड़ा लेंथी मेथड था। मैंने उसको सिंप्लीफाई करना, वेवी कर्व मेथड से मैं उसकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट कर सकता था। जैसे कैसे किया था, जैसे पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन किया था एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स ग्रेटर देन इक्वल जीरो। तो बेटा वेवी कर्व मेथड क्या कहता है, इसकी कैलकुलेशन को बहुत आसान बना देता है, हमें बहुत आराम से इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तुमने कहा अच्छा अच्छा, तो वेवी कर्व मेथड क्या है, मैं आपको स्टार्ट करता हूं। देखो कुछ भी नहीं करना है, जैसे आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आ गया मान लीजिए, तो आप पहले क्या करो कि जितना हो सके लीनियर फैक्टर कर लीजिए। चलो मैंने इसके लीनियर फैक्टर किए, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स प्लस सिक्स ग्रेटर देन इक्वल जीरो। तुमने कहा यस। अब बेटा इसको मैंने ऐसे कहा एक्स ऑफ माइनस थ्री माइनस टू एक्स ऑफ माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल जीरो, तो अपन ऐसा कह दे x माइनस टू एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल जीरो। तुमने कहा यस। ये बेटा हमारे पास आ गया, तुमने कहा x माइनस टू एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन जीरो, मैंने कहा यस। इसमें क्या करो बेटा, रियल वैल्यू कहां से कहां तक होती है, तुमने कहा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, मतलब ये कहां जीरो हो रहा है, देखो x इक्वल टू पे, तुमने कहा x इक्वल टू कर दो। ये कहां जीरो हो रहा है, तुमने कहा x इक्वल थ्री पे, तो x इक्वल थ्री कर दो। अब बेटा तुम यहां से स्टार्ट करो प्लस माइनस प्लस, देखो यहां ग्रेटर देन जीरो है तो हमारा इंटरेस्ट किस में, प्लस में या माइनस में। तुमने कहा यार ग्रेटर देन जीरो है तो हमारा इंटरेस्ट प्लस में, मींस हमें जो वैल्यू, हमें जो रीजन लेना है वो प्लस वाला रीजन लेना है। तो मैंने कहा ये लो भैया ये रीजन प्लस वाला, ये हमारा आंसर आ गया। मींस एक्स बिलोंग्स टू क्या है बेटा, तुमने कहा माइनस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी जो है बेटा, चाहे इक्वल टू लगा हो चाहे नहीं लगा हो, इन्फिनिटी हमेशा ओपन इंटरवल में आता है, और ये टू है बेटा, यहाँ इक्वलिटी लगा है तो क्लोज इंटरवल लेंगे, तो टू क्लोज यूनियन थ्री टू इन्फिनिटी, ये हमारा आंसर आ गया। तुमने कहा अच्छा अच्छा, तुमने कहा सर ये प्लस माइनस क्या चीज है, तो मैंने कहा बेटा देखो इसको समझना, मैं क्यों प्लस माइनस कर रहा हूं उसको समझना। जैसे y इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, मैंने कहा ये ग्रेटर देन इक्वल जीरो। बेटा मैं इसका ग्राफ बनाना चाह रहा हूं, तो तुमने देखा यार ये ग्राफ तो इसका पैराबोलिक ग्राफ है, तुमने कहा यस ये तो पैराबोलिक ग्राफ है, ऐसे ये ऐसे ऊपर तक जाएगा, ये एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। ये क्या करेगा बेटा, एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। ये लो एक्स एक्सिस है बेटा, इसको दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, एक इस पे और इस पे इंटरसेक्ट किया। इसको मैंने क्या बोला बेटा, मैंने कहा तुम जो हो, मैंने इसको क्या बोला बेटा, मैंने कहा तुम जो हो ये एक ये है और एक ये है बेटा, मैंने कहा तुम एक्स इक्वल टू हो, और इसको मैंने कहा तुम एक्स इक्वल थ्री हो। बेटा ये देखो वैल्यू क्या होती है, यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी, तुमने कहा ये माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होती। अब देखो बेटा थ्री के इस तरफ ग्राफ क्या एक्स एक्स से एबव है तो प्लस ले लिया, अब टू और थ्री के बीच में माइनस है और फिर यहां पे क्या है प्लस है, तो आप देखो मुझे ग्रेटर चाहिए तो मैं प्लस वाला रीजन ले रहा हूं, तो ये वाला रीजन लूंगा मैं ये वाला रीजन ले लिया, मैंने ये रीजन ले लिया बेटा ये वाला, क्यों, क्योंकि मुझे प्लस वाला रीजन चाहिए। तुमने कहा अच्छा अच्छा, हमें कौन सा रीजन चाहिए बेटा, तुमने कहा प्लस वाला रीजन चाहिए, अरे भैया रुक जाओ यस ये हमें प्लस वाला रीजन चाहिए। तुमने कहा अच्छा अच्छा, ये बेटा इसको मैं ऐसे कर दूं, इसको ऐसे कर दूं, ये वाला रीजन प्लस वाला रीजन इधर वाला रीजन, तुमने कहा यस। और यहां से इस तरफ बेटा क्या हो गया, तुमने कहा नेगेटिव हो गया। अगर ये का ये क्वेश्चन ऐसा होता एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स लेस देन इक्वल जीरो होता तो मैं क्या करता, एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री लेस देन इक्वल जीरो, तो वैल्यू हमारा आंसर क्या आता बेटा, तुमने कहा हमारा उस टाइम आंसर आता x belongs to 2 to 3 close, क्यों, क्योंकि हमें नेगेटिव रीजन वाला आंसर चाहिए और ये नेगेटिव वाला आंसर। तुमने कहा अच्छा अच्छा, मैं दो तीन एग्जांपल और करता हूं जिससे और क्लियर होगा। जैसे ये क्वेश्चन है बेटा, मैंने कहा x minus 1 x plus 2 और x minus 5 ये less than equal 0, इसको सॉल्व करना है। तुमने कहा अच्छा इसको सॉल्व करना है, मैंने कहा बेटा, तो बेटा देखो इसको अपन वही x की वैल्यू कहां से कहां तक, तुमने कहा माइनस इन्फिनिटी से
प्लस इनफिनिटी तक, ये कहाँ जीरो हो रहा, तुमने कहा वन पे, बहुत बढ़िया, ये कहाँ जीरो हो रहा, तुमने कहा माइनस टू पे, ये कहाँ जीरो हो रहा, तुमने कहा ये हो रहा फाइव पे, बहुत बढ़िया फाइव पे। अब बेटा यहां से स्टार्ट करो, प्लस माइनस प्लस और माइनस, तुमने कहा ठीक। अब बेटा हमारा इंटरेस्ट किस में है, तुमने कहा लेस है, तो हमारा इंटरेस्ट नेगेटिव साइड में, ये रीजन है बेटा, ये रीजन, ये बेटा, तो हमारा आंसर क्या हो गया बेटा, तुमने कहा x belongs to आ गया बेटा, हमारा आंसर आ गया माइनस इंफिनिटी टू माइनस टू, माइनस इंफिनिटी टू माइनस टू यूनियन वन टू फाइव, और इक्वलिटी हो रही है तो बेटा ओपन लगाऊंगा क्लोज, तुमने कहा क्लोज तो टू यूनियन वन टू फाइव, ये हमारा आंसर आ गया, तुमने कहा बहुत बढ़िया बेटा। अगर ये बेटा ऐसा होता क्वेश्चन x माइनस वन एक्स माइनस प्लस टू और एक्स माइनस फाइव, ये लेस की जगह अगर मेरा ग्रेटर होता, अच्छा ग्रेटर होता तो वही बात बेटा, सिंपल बात, हमें क्या चाहता, पॉजिटिव वाला रीजन लेते, तुमने कहा अच्छा पॉजिटिव वाला रीजन लेते, मैंने कहा, मैंने कहा बेटा ये पॉजिटिव वाला रीजन लेते, पॉजिटिव वाला रीजन कौन सा, ये वाला, ये रीजन पॉजिटिव वाला है, ये रीजन कौन सा बेटा, तुमने कहा पॉजिटिव वाला, ये पॉजिटिव वाला रीजन है, ये पॉजिटिव वाला रीजन है, तो बता हमारा आंसर क्या होता, तुमने कहा x बिलोंग्स टू होता माइनस टू टू वन यूनियन फाइव टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी हमेशा ऊपर में आता है, चाहे इक्वलिटी होल्ड हो चाहे ना। तो बेटा तुमने कहा सर ऐसा हो क्यों रहा है, तो इसकी लॉजिक समझिए बेटा, इसका अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं, y इक्वल x माइनस वन x प्लस टू एक्स माइनस फाइव, इसका मैं ग्राफ बनाऊंगा तो ग्राफ इसका बेटा इस तरह से बनेगा, ये ग्राफ ऐसे, तुमने कहा यस ये एक्स एक्सिस है, ये रियल वैल्यू कहां से कहां तक, माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी। और बेटा देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, आप मेरी बात ध्यान से सुनना, आप देखो बेटा ये कहां जीरो हो रहा है, इस पॉइंट को मैंने कहा, देखो बेटा ये वाला पॉइंट है, एक ये पे जीरो हो रहा है, एक इस पे जीरो हो रहा है, एक इस पे जीरो हो रहा है, ये पॉइंट कौन सा है, तुमने कहा ये है बेटा माइनस टू, बहुत बढ़िया, ये कहाँ जीरो हो रहा बेटा, एक्स इक्वल वन, तुमने कहा यस, और ये कहाँ जीरो हो रहा बेटा, ये एक्स इक्वल फाइव। अब बेटा देखो मैंने यहाँ प्लस लगाया, प्लस माइनस फिर प्लस, ये माइनस, मैं क्यों प्लस माइनस से ऐसा लगा रहा हूँ बेटा, क्यों, क्योंकि आप देख रहा हूं मैं इसको ग्राफ बनाए बिना ही, इस पे मैं अगर ऐसा कर रहा था माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी, ये कहाँ जीरो हो रहा, माइनस टू पे, ये कहाँ पे प्लस वन पे, ये कहां पे प्लस फाइव पे, तो मैं प्लस माइनस प्लस और माइनस कर रहा था, क्यों, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि फाइव के इस तरफ ग्राफ एक्स एक्सिस से ऊपर है पॉजिटिव, वन और फाइव के बीच में ग्राफ क्या है, नेगेटिव है, नीचे है, इसलिए नेगेटिव, और ये बेटा टू से माइनस, माइनस टू से वन के बीच में ये ग्राफ एक्स एक्सिस से अबव है इसलिए प्लस, और टू के बाद ये ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है इनफाइनिट की तरफ, तो अपन कहेंगे बेटा ये नेगेटिव है, इसलिए मैं प्लस माइनस करके इसको देखता हूं। तो मेरे हिसाब से आपको मैं प्लस माइनस क्यों करता हूं, इसका लॉजिक भी समझ में आ गया, क्वेश्चन भी समझ में आ गया कि किस तरह से सॉल्व करना है। अब देखो बेटा मेरे पास अगर क्वेश्चन इस तरह का आ जाए, मान लीजिए मुझे इनक्विटी सॉल्व करनी है, एक्स माइनस वन टू माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस फाइव लेस देन इक्वल जीरो, ये सॉल्व करना है। अब बेटा तुमने कहा अच्छा ये सॉल्व करना है, मैंने कहा हाँ बेटा मुझको ये सॉल्व करना, तो सबसे पहला काम कि इसका देखो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, तुमने कहा पॉजिटिव, लेकिन यहां पे एक्स का कोफिशिएंट क्या दिख रहा, तुमने कहा नेगेटिव। बेटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑलवेज पॉजिटिव, कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑलवेज पॉजिटिव, तुमने कहा अच्छा कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, मैंने कहा जब लीनियर फैक्टर कर रहे हो और क्वाड्रेटिक कर रहे हो तो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट, हाईएस्ट पावर मतलब एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और एक्स क्यूब कर रहे हो तो एक्स क्यूब है, क्यूबिक इक्वेशन है तो एक्स का क्यूब का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना है, मींस हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे हम, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब भी याद रखना माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा बेटा, तो इनक्विटी चेंज होगी, तो मैंने इसको ऐसे बोला एक्स माइनस वन और ये 2 माइनस एक्स को मैंने कहा x माइनस टू अपॉन x माइनस फाइव, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो बेटा ये लेस था ना ये ग्रेटर हो गया। अब बेटा रियल वैल्यू कहां से कहां तक, तुमने कहा
माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, ये बताओ कहां पे जीरो हो रहा है, तुमने कहा वन पे, बहुत बढ़िया। ये कहां जीरो हो रहा है, तुमने कहा टू पे, बहुत बढ़िया। ये कहां पे जीरो हो रहा है, तुमने कहा फाइव पे। अब यहां से बेटा प्लस माइनस प्लस माइनस, हमारा इंटरेस्ट किस में बेटा, देखो ग्रेटर है तो हमारा इंटरेस्ट प्लस में, ये प्लस वाला आंसर। अब बताइए आंसर क्या, x belongs to, देखो इक्वलिटी लगा है तो मैं क्लोज इंटरवल चाहूंगा, लेकिन डिनोमिनेटर वा में जो है वो कभी भी क्लोज में नहीं आएगा, वो हमेशा ओपन में आएगा, क्योंकि अगर मैंने 5 ले लिया तो 5 माइनस 5 समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइन होगा, इसलिए डिनोमिनेटर वाले हमेशा ओपन में आएंगे और इन्फिनिटी हमेशा ओपन में आएंगे जब इक्वलिटी हो रही हो, और इक्वलिटी होल्ड नहीं हो रही है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। तुमने कहा ठीक है बेटा, तो x बिलोंग्स टू क्या है बेटा, वन, वन न्यूमिनेटर पे था, तुमने कहा क्लोज, टू तुमने कहा न्यूमिनेटर पे था क्लोज, यूनियन, फाइव कहां पे था, डिनोमिनेटर पे था, फाइव टू इन्फिनिटी, ये हमारा आंसर आ गया। तुमने कहा वाह यार ये तो बहुत सिंपल है। अब बेटा अगर ऐसा सीन हो इस तरह से, ऐसे अगर कोई आपसे बोले x माइनस वन का पावर टू, x प्लस वन की पावर थ्री, x माइनस फाइव की पावर सेवन अपॉन x प्लस टू की पावर एट और x माइनस सेवन की पावर फाइव लेस देन इक्वल, इसको सॉल्व करना चाहते हैं। बेटा एक बात याद रखना कि जिसकी पावर इवन है वो तो ऑलवेज पॉजिटिव है, जिसकी पावर इवन है वो ऑलवेज पॉजिटिव है, और जिसकी पावर इवन है वो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो एक बात को याद रखना कि पॉजिटिव का ग्रेटर और लेस में कोई रोल नहीं हो सकता, इक्वलिटी में रोल हो सकता है वो बाद में चेक करेंगे, पहले मैं लेस और ग्रेटर इन इक्वेशन की बात करता हूं। उन्होंने कहा ठीक है भैया, ये ऑलवेज पॉजिटिव, ये ऑलवेज पॉजिटिव, तो रोल किसका, इन तीनों का ही। तुमने कहा यस, तो बेटा पहला काम ये करो, रियल वैल्यू कहां से कहां तक, तुमने कहा माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी, बताओ ये कहां पे बेटा जीरो, ये तो इसको तो लेना ही नहीं है, इसका रोल ही नहीं है, इन दोनों का रोल नहीं, इसका बेटा तुमने कहा माइनस वन, ये कहां पे, तुमने कहा फाइव पे, ये कहां पे, तुमने कहा सेवन पे, प्लस माइनस प्लस और माइनस, तुमने कहा यस। अब हमारा इंटरेस्ट किस में, तुमने कहा लेस में, ठीक है बेटा ये लेस में, ये लेस में, बहुत बढ़िया। तो बताओ x belongs to क्या हुआ, तुमने कहा x belongs to आया माइनस वन, माइनस वन ऊपर था, मैंने कहा यस क्लोज, फाइव ऊपर था न्यूमरेटर पे था, तुमने कहा यस क्लोज, यूनियन, सेवन डिनोमिनेटर पे था, ओपन और इनफिनिटी, ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन बेटा एक बात याद रखो कि माइनस ये डिनोमिनेटर में कभी ये माइनस टू इस ऑप्शन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि माइनस टू आते ही दिल टूट जाएगा। तुमने कहा माइनस टू रख, इसमें आ रहा है क्या, तुमने कहा नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, माइनस टू था नहीं, लेकिन मैंने इसको रिमूव तो कर दिया, लेस और इक्वल में तो इसका रोल नहीं है, लेकिन इक्वलिटी पे तो रोल है, तो वन आना चाहिए, क्या वन इसमें है, हाँ माइनस वन से फाइव के बीच में वन है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लिखने की जरूरत नहीं, अगर नहीं होता तो यूनियन बना के उसको मैं ऐड कर देता। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ रही, दो चार क्वेश्चन और करूंगा तो और क्लियर बातें होगी। अब बेटा देखो मुझको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तुमने कहा अच्छा इसको सॉल्व करना, जैसे मेरे को इसने कहा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स और अपॉन जस्ट मिनट अपॉन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव, ये बेटा लेस देन इक्वल जी, इसको सॉल्व करो। तुमने कहा ठीक है बेटा, अब ये देखो बेटा इसके फैक्टर तो मुझे दिख रहे हैं, देखो इसके फैक्टर करना चाहूं तो इसमें देखो इस एक्सप्रेशन को लेता हूं साइड में, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इसको लेता हूं, इसका a कितना है तुमने कहा वन और d कितना है तुमने कहा b, d इज वन माइनस फोर इंटू वन इंटू वन, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की बात कर रहा हूं, तुमने कहा ये माइनस थ्री ये तो लेस देन जीरो है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ग्रेटर देन जीरो ऑलवेज, मीन्स इसका अगर ग्राफ बनाएंगे तो ये हमेशा x एक्सिस से ऊपर आएगा, मीन्स कोई रूट ही नहीं आएगा,
तुमने कहा यस, इसका मतलब बेटा एक बात समझ में आ गई कि ये ऑलवेज पॉजिटिव है। तुमने कहा अच्छा तुम ऑलवेज पॉजिटिव हो, उसने कहा हाँ मैं ऑलवेज पॉजिटिव। मैंने कहा ठीक है बेटा तुम ऑलवेज पॉजिटिव, ओके तुम ऑलवेज पॉजिटिव। ये बेटा ये वाला इस टर्न को मैंने कहा बेटा तुम जो हो वो ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। अच्छा अच्छा ऑलवेज पॉजिटिव मैंने कहा यस, मींस इसका साइन कन्वेंशन में कोई रोल नहीं है, और जो ऑलवेज पॉजिटिव होता है उसका साइन कन्वेंशन में कोई रोल नहीं होता। तुमने कहा अच्छा अच्छा इसका कोई रोल नहीं, मैंने कहा नहीं, क्यों? क्योंकि इसके फैक्टर भी नहीं हो पाएंगे और ये एक्स एक्सिस से ऊपर रहेगा इसका ग्राफ और इसका कोई रूट नहीं होगा। और जो ऑलवेज पॉजिटिव मतलब प्लस को किसी से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करो तो प्लस, और प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करो तो माइनस, मींस प्लस का ज्यादा रोल नहीं है साइन कन्वेंशन में, रोल नहीं है। रोल किसका? माइनस का। ठीक, माइनस को चेंज इनिटी को चेंज करने के सामर्थ्य रखता है, पॉजिटिव अपने किसी को सामर्थ्य नहीं रखता। तो इसे भूल जाओ, एज इट इज रख दो इसको। तुमने कहा अच्छा इसको एज इट इज रखना है, मैंने कहा हाँ इसको एज इट इज रख दे। अब बेटा देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसको तो एज इट इज रखा, इसके फैक्टर किए। तुमने कहा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स प्लस सिक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x plus x minus 5 is less than equal 0। बहुत बढ़िया बेटा, इसको सॉल्व किया तो बेटा ये कितना, यहां से देखो बेटा कितना, x square plus x plus 1 into, और ये देखो बेटा तुमने कहा इसके फैक्टर किया तो x minus 3 x minus 2 upon x minus 5 और x plus 1, ये बेटा मेरे पास फैक्टर आ गया, तुमने कहा less than 0, ओके। अब बेटा रियल वैल्यू कहां से कहां तक आती है, तुमने कहा माइनस इनिटी से प्लस इनिटी, बहुत बढ़िया बेटा इसका कोई रोल नहीं है, इसका है क्या? तुमने बिल्कुल है, ये तो 3 है, एज इट इज रख दो। ये बेटा x माइनस 3 x माइनस 2 है, मैंने कहा तुम कौन हो, उसने कहा 2 हूं, मैंने कहा बेटा तुम 2 हो, ये x इक्वल 5 है, तुमने कहा ये लो 5 है, ये कितना है माइनस 1 है, माइनस 1 रख दिया। अब तुमने कहा बेटा यहां से स्टार्ट करते प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस, हमारा इंटरेस्ट किसमें है? तुमने कहा लेस है, मैंने कहा हाँ बेटा तो ये लेस में इंटरेस्ट है, लेस वाला रीजन ले दीजिए। तुमने कहा यस, अब बताओ जल्दी से बेटा एक्स बिलोंग्स टू क्या आ गया? तुमने कहा माइनस वन, माइनस वन कहा डिनोमिनेटर पे है तो इक्वलिटी होल्ड हो रही है, लेकिन फिर भी हम ओपन इंटरवल लेंगे माइनस वन से लेकर टू। तुमने कहा टू, टू न्यूमरेटर पे है क्लोज, यूनियन थ्री, थ्री भी न्यूमरेटर पे है क्लोज, और फाइव, फाइव तुमने कहा ओपन पे, यस दिस इज योर सॉल्यूशन। ये हमारा क्वेश्चन आ गया आंसर। उन्होंने कहा यस ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैंने कहा बिल्कुल बेटा सिंपल क्वेश्चन है, आराम से हम डील कर सकते हैं। तुमने कहा इस दो चार क्वेश्चन और दीजिए सर हमें। तुमने कहा अच्छा कुछ और क्वेश्चन चाहते हैं, मैंने कहा हाँ। देखो बेटा अगर मुझे मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन कोई करना है, मान लीजिए एक मैं क्वेश्चन आपको देता हूं, एक क्वेश्चन आ गया x पावर 4, एक क्वेश्चन आ गया बेटा x पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 63 इज लेस देन इक्वल 0, इसको सॉल्व करना है। तुमने कहा अच्छा x पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 63 लेस देन इक्वल 0, मैंने कहा हाँ बेटा कुछ भी नहीं करना बेटा बच्चों जैसा, इसको पहले x स्क्वायर को t मान लो, फैक्टर करना सीखो बेटा। तुमने कहा यस, तो ये कितना हो गया t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 63 लेस देन इक्वल 0, फैक्टर किए इसके तो बेटा कितना आ गया t स्क्वायर 9t प्लस 7t माइनस 63 लेस देन इक्वल 0। तो बेटा इन दोनों में कॉमन क्या आया, तुमने कहा t कॉमन आया t माइनस 9 प्लस 7 t माइनस 9 लेस देन इक्वल 0। तो बेटा यहां कितना आ गया t माइनस 9 और t प्लस 7 लेस देन इक्वल 0, और वापस t की जगह x स्क्वायर रख दो, x स्क्वायर माइनस 9 और x प्लस 7 x स्क्वायर प्लस 7 लेस देन इक्वल 0। अब देखो बेटा दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, तुमने कहा अच्छा अच्छा तुम तो पॉजिटिव क्वांटिटी हो, तुमने कहा यस ये ऑलवेज पॉजिटिव, इसको देखो बेटा ये ऑलवेज पॉजिटिव, और जो ऑलवेज पॉजिटिव होता है उसका साइन कन्वेंशन में कोई रोल नहीं रहता,
रूल किसका, केवल इसका। तुमने कहा ठीक है, इसके फैक्टर किए बेटा तो कितना है, एक्स स्क्वायर को मैंने माइनस नाइन को अपन ऐसा कह सकते हैं बेटा एक्स माइनस थ्री और एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन लेस देन इक्वल जीरो। रियल वैल्यू कहां से कहां तक होती है, तुमने कहा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक। ये कहां जीरो हो रहा है, तुमने कहा थ्री पे। ये कहां जीरो हो रहा है, तुमने कहा माइनस थ्री पे। प्लस माइनस प्लस, तुमने कहा समर इंटरेस्ट किस में है, माइनस में। तुमने कहा अच्छा अच्छा ये माइनस में। तो बताओ एक्स बिलोंग्स टू क्या हुआ बेटा, तुमने एक्स बिलोंग्स टू हुआ माइनस थ्री से लेकर प्लस थ्री तक, ये हमारा आंसर। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई बच्चों, जैसी बात है हम आराम से डील कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस और देता हूं, दो चार क्वेश्चंस से और आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। जैसे अब ये क्वेश्चन मुझे दे दिया उसने, पी अपॉन एक्स माइनस टू लेस देन वन, इसको सॉल्व करना है। तुमने कहा यस, वेवी कर मेथड की एक कंस्टेंट है, वो क्या कंस्टेंट है, वो कंस्टेंट कहता है कि एक तरफ जीरो रहना चाहिए। तो थ्री अपॉन एक्स माइनस टू माइनस वन लेस देन जीरो, अब एलसीएम लो बेटा। एलसीएम लिया कितना आया एक्स माइनस टू, तो बताओ यहाँ कितना पी माइनस एक्स प्लस टू लेस देन जीरो, तो थ्री प्लस टू कितना फाइव माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस टू लेस देन जीरो। अच्छा बेटा देखो, यहाँ x का कोफिशियंट पॉजिटिव है, यहाँ x का कोफिशियंट क्या नेगेटिव है, नेगेटिव होते ही पहला काम उसको पॉजिटिव बनाओ, x माइनस फाइव अपॉन x माइनस टू ग्रेटर देन जीरो। अब बेटा रियल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, तुमने कहा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, तो ये कहाँ जीरो हो रहा है, तुमने कहा फाइव पे। ये कहाँ पे जीरो हो रहा है, टू पे। तुमने कहा प्लस माइनस प्लस, हमारा इंटरेस्ट किस में, प्लस में। तुमने कहा अच्छा तुम्हारा इंटरेस्ट प्लस में, मैंने कहा बेटा देखो प्लस वाला रीजन, ये प्लस वाला, ये बेटा। तो बताओ एक्स बिलोंग्स टू क्या हुआ, तुमने कहा माइनस इंफिनिटी टू टू, तुमने कहा यस ओपन या क्लोज, इक्वलिटी लग ही नहीं रही है तो ओपन यूनियन फाइव टू इंफिनिटी, ये हमारा आंसर है बच्चों। जैसी बात आराम से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, दो चार क्वेश्चन और करता हूं, थोड़ा सा विजन क्लियर हो। जैसे मेरे पास क्वेश्चन आया 2x स्क्वायर माइनस 3x, या छोटा सा मैं कहता हूं छोटा सा क्वेश्चन, लेंथी क्वेश्चन ज्यादा नहीं देना चाहिए, x स्क्वायर प्लस 1 ऑन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 लेस देन 1, ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। मैंने कहा ठीक है बेटा, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 माइनस 1 लेस देन 0। देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये कॉमन ले लो, कितना एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन लेस देन जीरो। ये एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर गया माइनस वन गया, बचा क्या माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। मैंने आपसे बोला इनफिनिटी ये माइनस कभी नहीं रहना चाहिए, तो लेस देन जीरो है, माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ये पॉजिटिव हुआ x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ग्रेटर देन जीरो। बेटा देखो ये इसकी बारे में बात करना चाह रहा हूं, इस एक्सप्रेशन के बारे में क्वाड्रेटिक, तो इसका a तो 1 है और d जो है b स्क्वायर 1 माइनस 4 दैट इज लेस देन जीरो। इसका मतलब बेटा हमें एक बात फिर समझ में आ गई, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, ये तो क्या है ऑलवेज पॉजिटिव। अच्छा तुम ऑलवेज पॉजिटिव, उसने कहा हाँ मैं ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका साइन कन्वेंशन में रोल नहीं, केवल इसका रोल है। तुमने कहा इस, तो रियल वैल्यू कहां से कहां तक माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, बताओ ये कहां जीरो हो रहा है, जीरो पे। तो यहां से प्लस ये माइनस, हमारा इंटरेस्ट किसमें बेटा, हमारा इंटरेस्ट किसमें, तुमने कहा ग्रेटर देन जीरो की बात कर रहे हैं, मैंने कहा तो प्लस में, मीन्स एक्स बिलोंग्स टू बेटा क्या जीरो टू इनफाइनेट, ये हमारा आंसर। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई बच्चों, जैसी बात है आराम से हम डील कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस और करते हैं, थोड़ा सा फील आए बेटा तुम्हारे को, अच्छे से क्वेश्चन और बनाना चाहता हूं मैं। जैसे मैंने कह दिया बेटा मुझे क्वेश्चन चाहिए x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस एक्स प्लस वन
अपॉन एक्स माइनस वन लेस देन टू, इसको सॉल्व करना, इस इनिक्विटी को सॉल्व करना है। तुमने कहा अच्छा इस इनिक्विटी को सॉल्व करना चाह रहे हैं, मैंने कहा हाँ मैं इस इनिक्विटी को सॉल्व करना चाह रहा हूँ। टेंशन बिल्कुल मत लो, सबसे पहला काम बेटा x माइनस वन अपॉन x माइनस x प्लस वन अपॉन x माइनस वन माइनस टू लेस देन जीरो। सबको विविकर मेथड का पहला कंस्टेंट है कि जीरो एक तरफ जीरो होना चाहिए। तुमने कहा ठीक है बेटा ये देखो बताओ x x माइनस वन एलसीएम ले लिया, ठीक है ये कितना बेटा तुमने कहा x माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस ये कितना x x प्लस माइनस टू और ये कितना बेटा x x माइनस वन। बढ़िया बच्चों की तरह लेस देन जीरो, इसको एक्सपोन करें तो कितना बेटा x स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, इसको कहें तो माइनस x स्क्वायर माइनस x और इसको कहें तो माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स अपॉन x x माइनस वन लेस देन जीरो। बेटा देखो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर गया, बचा क्या माइनस टू एक्स स्क्वायर और ये माइनस का टू एक्स और ये प्लस का टू एक्स गया, बचा क्या माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स एक्स माइनस वन। बेटा देखो एक बात मेरी हमेशा याद रखो, हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तुमने कहा यस, यहाँ पे देखो हाईएस्ट पावर कोफिशिएंट कितना नेगेटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई करो टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स एक्स माइनस वन, इनिक्विटी चेंज हो गई लेस का ग्रेटर हो गया। तुमने बहुत बढ़िया बेटा इसको फैक्टराइज करें टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स एक्स माइनस वन ग्रेटर देन जीरो। इन दोनों को कॉमन ले तो बेटा कितना टू एक्स माइनस वन आ रहा है एक फैक्टर और एक आ रहा है बेटा एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। तुमने कहा अच्छा अपॉन में एक्स एक्स माइनस वन ग्रेटर देन जीरो। बेटा रियल वैल्यू कहां से कहां तक होती है, तुमने कहा माइनस रूटी से प्लस इनफिनिटी। अच्छा ये वैल्यू होती है माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी। मैंने कहा बेटा देखो बात सुनना ध्यान से, इतना तो हमारे को समझ में आ गया। बेटा देखो बात ध्यान से सुनेंगे, इधर मैं इसको ऐसे सॉल्व करता हूँ। देखो बेटा रियल वैल्यू होती है माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी, मतलब ये कहाँ जीरो हो रहा है, तुमने कहा बेटा ये जीरो हो रहा वन बाई टू पे। बहुत बढ़िया वन बाई टू पे। तुमने कहा यस ये कहाँ जीरो हो रहा है, तुमने कहा माइनस वन पे। ये कहाँ जीरो हो रहा है बेटा, तुमने कहा जीरो पे। इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं ढंग से बनाते हैं, ये यहाँ पे जगह प्रॉपर नहीं है, यहाँ पे बनाता हूँ, यहाँ बना रहा हूँ अलग से पेज पे, कलर चेंज कर देता हूँ पेन का। ये लो भैया अब देखो मैं ध्यान से सुन, ये बेटा माइनस एम्प्टी प्लस एम्प्टी, मतलब ये कहाँ जीरो हो रहा है, तुमने कहा वन बाई टू पे, ये वन बाई टू। ये कहाँ जीरो हो रहा है माइनस वन पे, ये कहाँ जीरो हो रहा है जीरो पे, ये जीरो पे और ये कहाँ वन पे। तो देखो यहां से ये वन तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, हमारा इंटरेस्ट किसमें ग्रेटर में, तो बेटा ये रीजन नहीं होगा हमारा आंसर। मीन्स एक्स बिलोंग्स टू क्या आया बेटा, तुमने कहा एक्स बिलोंग्स टू, मैंने कहा इस पॉजिटिव वाला लेंगे, तुमने कहा माइनस इनफिनिटी से लेकर कहां तक माइनस वन तक, यूनियन जीरो से आओ और यूनियन ने का वन से इनफिनिटी, ये हमारा आंसर। बच्चों जैसी बात आराम से हम क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, दो तीन क्वेश्चन और देखते हैं तब हमें और अच्छे से समझ में आएगा। अब बेटा देखो एक क्वेश्चन है मेरे पास, ये क्वेश्चन है इसको सॉल्व करना है सेवन अपॉन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री प्लस नाइन अपॉन एक्स माइनस थ्री प्लस वन लेस देन जीरो, ये सॉल्व करना है।
तुमने कहा अच्छा इसको सॉल्व करना है, मैंने कहा हाँ बेटा इसको सॉल्व करना है, तुमने कहा ठीक है इससे पहले अपन एलसीएम लेते हैं, तुमने कहा ठीक है एलसीएम लेते हैं बाई वन कितना हो रहा है, तुमने कहा टेंशन मत लो पहला काम एलसीएम ले लो, पहला काम क्या ले लो एलसीएम ले लो, बेटा देखो ये सबसे पहला काम एलसीएम ले लो कितना आया, तुमने कहा x माइनस टू x माइनस थ्री बहुत बढ़िया, इधर कितना आया सेवन, इधर कितना नाइन एक्स माइनस टू प्लस वन माइनस टू एक्स माइनस थ्री लेस देन जीरो, ये बेटा सॉल्व करो इसको कितना सेवन प्लस नाइन ऑफ एक्स माइनस एटीन प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस सिक्स ऑन एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री ये लेस देन जीरो, तो बेटा देखो इसको सॉल्व करें तो कितना रहा एक्स स्क्वायर माइनस टू माइनस फाइव एक्स और प्लस नाइन एक्स प्लस फोर एक्स, देखो सेवन और सिक्स थर्टीन सेवन एटी में से माइनस इलेवन प्लस सिक्स माइनस फाइव बहुत बढ़िया, तुमने कहा यस अपॉन लेस देन जीरो, अब इसके फैक्टर करें तो क्या आ रहा बेटा, तुमने कहा इसके फैक्टर आ रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस फाइव अपॉन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री लेस देन जीरो, बेटा इन दोनों में कॉमन क्या रहा है, तुमने कहा एक्स प्लस फाइव और एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री लेस देन जीरो, रियल वैल्यू कहां से कहां था बेटा, तुमने कहा माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी, बताओ ये कहां जीरो रहा है, तुमने कहा माइनस फाइव पे, ये कहां पर, तुमने कहा वन पे टू पे और थ्री पे, यहां से स्टार्ट करो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, हमारा इंटरेस्ट किसमें बेटा बताओ जल्दी से, हमारा इंटरेस्ट तुमने कहा लेस में, लेस बता दीजिए, देखो कितना इजी क्वेश्चन है आराम से हम देख सकते हैं, तुमने कहा इस तो एक्स बिलोंग्स टू क्या आया बेटा, तुमने कहा हमारे पास आया बेटा कितना, देखो ध्यान से माइनस फाइव टू प्लस वन माइनस फाइव टू वन यूनियन टू से थ्री, दिस इज योर आंसर, कुछ समझ में आ रहा है आपको, बहुत इजी है बेटा आराम से सोच के चलेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं बनाएंगे आराम से बन जाएगा, जैसे आप कुछ प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चंस की आराम से बेटा, जैसे उसने कहा x लेस देन इक्वल सिक्स अपॉन एक्स माइनस फाइव, तुमने कहा इसको सॉल्व करना है, सबको एक तरफ लिया एक्स माइनस फाइव लेस देन इक्वल जीरो एलसीएम लिया बेटा, तुमने कहा ठीक है बेटा ये कितना हो गया x तो था x माइनस फाइव माइनस सिक्स लेस देन इक्वल जीरो, बहुत बढ़िया बेटा, अब इसको सॉल्व किया तो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस सिक्स अपॉन एक्स माइनस फाइव लेस देन इक्वल, इसको टुकड़े करें तो बेटा क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एक्स माइनस सिक्स अपॉन एक्स माइनस फाइव लेस देन इक्वल जीरो, इसको फैक्टर किया बेटा तो क्या एक्स कॉमन लिया एक्स माइनस सिक्स प्लस वन एक्स माइनस सिक्स अपॉन एक्स माइनस फाइव लेस देन इक्वल जीरो, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बेटा, तुमने कहा एक्स माइनस सिक्स एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस फाइव लेस देन इक्वल जीरो, तुमने कहा बढ़िया बेटा, अब बेटा बताओ रियल वैल्यू कहां से कहां तक, बताओ बेटा तुमने कहा रियल वैल्यू, मैंने कहा हाँ, अब बेटा देखो रियल वैल्यू हम देखना चाह रहे हैं इसकी, इसकी रियल वैल्यू बताओ ये कहाँ पे जीरो रहा सिक्स पे, ये कहाँ पे फाइव पे, ये कहाँ पे माइनस वन पे,
प्लस माइनस प्लस माइनस, हमारा इंटरेस्ट किस में? तुमने कहा हमारा इंटरेस्ट, मैंने कहा हाँ, तुमने कहा बेटा लेस है तो माइनस, बताओ एक्स बिलोंग्स टू क्या है? तुमने कहा माइनस इक्विटी, तो हमेशा ऐसा रहना है, और वन को माइनस वन डिनोमीटर पे नहीं, डिनोमीटर पे तो क्लोज क्योंकि इक्वलिटी होल्ड हो रही है, यूनियन फाइव डिनोमीटर पे तो ओपन, सिक्स न्यूमरेटर पे सिक्स, ये हमारा आंसर आ गया। दिखने में खतरनाक क्वेश्चन है लेकिन बहुत इजी है, हम आराम से डील कर सकते हैं। तो बेटा मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको बनाए, कुछ और इस पे अच्छे लेवल पे क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करता हूँ अच्छे से, ताकि आपको विवेक कर्व मेथड अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, थैंक यू।